सो फाइनली गाइस, यदि आप YouTube पर आना चाहते हो, YouTube पर अपना वीडियो कंटेंट जो भी पब्लिक तक पहुंचाना चाहते हो, शेयर करना चाहते हो, उसके लिए आपको एक चैनल की जरूरत पड़ेगी। आपको एक चैनल क्रिएट करना होगा। बहुतों को चैनल क्रिएट करना आता है, बहुतों को क्रिएट करना नहीं आता। गाइज इस वीडियो में आपको मैं चैनल क्रिएट करके दिखाऊंगा और 1 से 2 मिनट की वीडियो की प्रोसेस है। 1 से 2 मिनट वीडियो को प्रोसेस करना है, जैसे जैसे मैं आपको बताऊँ वैसे आपको फॉलो करना है और 1 से 2 मिनट के अंदर आपको जो चैनल क्रिएट है वो सक्सेसफुल हो जाएगा। आपको मैं वीडियो डालनी भी बताऊंगा कि वहाँ पर आपको वीडियो अपलोड कैसे करनी है। तो गाइज आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, कोई चलती मोबाइल की होम स्क्रीन पर। सो फाइनली गाइज मैं अपनी मोबाइल की होम स्क्रीन पर आ चुका हूँ। आपको अपनी मोबाइल की होम स्क्रीन पर आ जाना है। आ जाने बाद ना जो यूट्यूब है यूट्यूब ओपन कर लेना है। ठीक है, मैं यूट्यूब ओपन कर लेता हूँ। सिंपल गाइज मैंने यूट्यूब ओपन कर लिया। यूट्यूब ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे एक निशान दिखेगा जो आपकी प्रोफाइल फोटो चमक रही होगी, इसके अंदर आपको सिंपल निशान पर क्लिक करना है। निशान पर क्लिक करने के बाद आपको उस पर क्लिक करना है जीमेल पर। जीमेल पर क्लिक करोगे जो भी तुम्हारी जीमेल होंगी वो सारी जीमेल आ जाएंगी। अब तुमको ये चूज करना है कि आपको कौन सी जीमेल पर अपना चैनल बनाना है। ठीक है, मैंने ऑलरेडी पहले क्रिएट कर रखी है जीमेल, उस पर मेरे को चैनल बनाना, तो सिंपल मैं क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद वो जीमेल तुम्हारी ओपन हो जाएगी। ओपन होने के बाद आपको कुछ ऐसा परमिशन दिखेगा उसमें, जीमेल होने ओपन होने के बाद फिर दोबारा जीमेल पर करना है। जैसे आप जीमेल पर करोगे तो पे आपको ऑप्शन मिलेगा योर चैनल के नाम से। सिंपल आपको योर चैनल पे क्लिक कर देना। जैसे आप योर चैनल पे क्लिक करोगे आपको नेक्स्ट पेज पे लेकर चला जाएगा। यहाँ पे बोलेगा आपसे क्रिएट चैनल। ठीक है, सिंपल आपको क्या करना है, क्रिएट वीडियो, यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है क्रिएट वीडियो डालने के लिए, लेकिन क्या करना है आपको यहाँ पे चैनल बनाना है। तो हमको एडिट चैनल का ऑप्शन आएगा, सिंपल एडिट चैनल कर देते हैं इसके अंदर हम। जैसे आप एडिट चैनल करोगे तो यहाँ पे आपको जो इंटरफेस है वो जीमेल का वो आ जाएगा। ये चैनल बना बना नहीं है, मैं ऑलरेडी पहले से क्रिएट कर रहा हूँ। आपको जो चैनल का नाम है वो सर्च कर लेना, क्या नाम डालना है। ठीक है, डेविल मास्टर डालना है, मेरे पे जो डेविल मास्टर डाला हुआ है, लेकिन मैं एडिट कर देता हूँ। एडिट करने के बाद कोई भी मैं जो पॉपुलर बंदे होते हैं उनका कोई नाम ले लेता हूँ, जैसे अरविंद अरोरा। सिंपल गाइस जैसे कि आप देख पा रहे हैं मैंने चैनल पर अपना नाम डाल दिया। इसमें सिर्फ 50 वर्ड तक तुम चैनल का नाम डाल सकते हो। जैसे दिख रहा गाइस मैं राइट कर देता हूँ, जो सिंपल दिख रहा है 50 वर्ड तक डाल सकते हो। 29 वर्ड्स हो चुके हैं मेरे, उसके बाद ओके कर देता हूँ। ये मेरे तुमको सैंपल के रूप में दिखा रहा हूँ कि नाम कैसे डालना है आपको। ठीक है, जैसे ओके कर देता हूँ। ओके करने के बाद ये आपको देखो ए टू मोटिवेशनल अरविंद अरोरा हो चुका है। इसके बाद कोई प्रोफाइल फोटो चूज कर लेनी, तो मैं कोई प्रोफाइल फोटो चूज कर लेता हूँ। जैसे इनकी प्रोफाइल फोटो चूज कर लेता हूँ जो इनके चैनल पर लगी हुई इस टाइम। सिंपल का जैसे कि देख पा रहे हैं यही फोटो है जो उनके चैनल पर लगी हुई है। मैं डेमो के रूप में आपको दिखा देता हूँ। जैसे सेव पे क्लिक करोगे तो ये सेव हो जाएगी। ठीक है, ये आपके सर्कल के हिसाब में सेव होगी। जैसे सर्कल दिख रहा है आपको तो ये भी प्रोफेशनल फोटो अपडेटेड सक्सेसफुली, प्रोफाइल फोटो जो अपडेट हो चुकी है आपके चैनल पर। चैनल पर होने के बाद यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा आपको एड ए डिस्क्रिप्शन। अगर आप लोग चैनल के बारे में तुम कुछ लिखना चाहते हो, कैसी कैटेगरी का चैनल है, कैसी वीडियो अपलोड करोगे, कैसे कंटेंट बनाओगे तुम, ठीक है, तो कुछ लिख सकते हो। उसके बाद आपको कवर्ड फोटो लगानी हो तो कवर्ड फोटो भी लगा सकते हो। मैं कवर्ड फोटो चूज कर लेता हूँ। सो गाइज मैंने कवर्ड फोटो चूज कर ले ली है। आपको भी ऐसी कवर्ड फोटो चूज कर लेनी है जैसे दिख पा रहे हैं आप। तो ये मेरी कवर्ड फोटो है तो मैं इसको चूज कर लेता हूँ। सो गाइज जो मेरी कवर्ड फोटो है ये तो ठीक से आने दी है, तो मैं कोई दूसरी फोटो चूज कर लेता हूँ। सिंपल गाइज जैसे कि आप देख पा रहे हैं मैंने कवर्ड फोटो चूज कर ली। चूज करने के बाद सेव कर देता हूँ। सेव होने के बाद ये जो आपके जो कवर है जो चैनल के पीछे दिखेगी आपको, ठीक है, उसके में सेव हो जाएगी आराम से। जैसा कि आप देख पा रहे हैं गाइज मेरी जो कवर फोटो पीछे सेव हो चुकी है। सेव होने के बाद अपने जो चैनल के बारे में अगर तुम डिस्क्रिप्शन लिखना चाहो तो वो लिख सकते हो, तो मेरे को उसे लिखना नहीं है। तो मैं बैक आ जाता हूँ। बैक आने के बाद आपका जो चैनल है वो सेव हो चुका है। सेव होने के बाद अपना ए टू मोटिवेशन अरविंद अरोरा के नाम से चैनल बन चुका है। नेवर गिव अप, ऊपर से जो कवर फोटो वो लग चुकी है। लगने के बाद आपको एडिट करना हो तो कुछ एडिट कर सकते हैं, लेकिन मेरे को कुछ एडिट नहीं करना है अब। सो फाइनली गाइज मेरा जो चैनल है वो बन चुका है, क्रिएट हो चुका है। जैसे जैसे मैंने वीडियो के अंदर आपको बताया है सेम आपको फॉलो करना है। सेम फॉलो करोगे तो 1 से 2 मिनट का प्रोसेस है। प्रोसेस होने के बाद में जो अपना जो चैनल है वो क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, आपको मैं बता दूँ एक बार दोबारा जीमेल खोलिए अपनी। जैसे मैं दोबारा जीमेल खोलता हूँ अपनी, जैसा कि देख पा रहे हैं मेरी 2-3 जीमेल है। अगर मैं किसी दूसरी जीमेल पे भी अगर चैनल क्रिएट करता हूँ तो कोई ज़्यादा मुश्किल बात नहीं है। जैसे हम प्रोफाइल फोटो पे क्लिक करते हैं, प्रोफाइल फोटो पे क्लिक करने के बाद योर चैनल पे क्लिक करते हैं। योर चैनल क्लिक करने के बाद, सॉरी गाइस ऐड चैनल कर दिया मैंने, योर चैनल क्लिक करने के बाद आपको नेक्स्ट पेज पर लेकर चला जाएगा। और नेक्स्ट पेज पर भी आपको सेम ऐसा इंटरफेस आएगा जैसे मैंने पहले वीडियो में बताया कि आपको चैनल क्रिएट कैसे करना है। और यहाँ से सिंपल अपना चैनल क्रिएट करके ओके कर सकते हो और अपना चैनल का नाम वगैरह सब चीज़ डाल सकते हो जैसे मैंने डालने के बताइए। आई होप गाइज आपको वीडियो अच्छी लगेगी। वीडियो अच्छी लगी तो गाइज लाइक कर देना और जैसे जैसे मैंने आपको बताया ऐसे ऐसे फॉलो करना और आपको 1 से 2 मिनट के अंदर वीडियो जो चैनल है वो क्रिएट होकर सक्सेसफुल हो जाएगा। गाइज चैनल रेडी होने के बाद आपको क्या करना है आप समझोगे कि वीडियो आपको कैसे डालनी है। तो वीडियो डालने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ मैनेज वीडियो लिख रहा है। जैसे मैनेज वीडियो पर क्लिक करोगे तो आपको नेक्स्ट पेज पर लेकर चला जाएगा। यहाँ पर आपको डिटेल दिखाएगा, हिस्ट्री दिखाएगा अपने चैनल पर, आज तक तुम कितनी वीडियो डाल चुके हो, कितनी लाइव गए हो और कितनी वीडियो शॉर्ट डाली है। तो आपकी जो डिटेल हिस्ट्री है वो इधर दिखाएगा। उसके बाद मैं बैक आ जाता हूँ। बैक आने के बाद एक सिंपल ऑप्शन मिलेगा क्रिएट का। ठीक है, मैं थोड़ा जल्दी बता रहा हूँ क्योंकि ज़्यादा वीडियो लॉन्ग नहीं होनी चाहिए,
थोड़ी लॉन्ग होगी तो ज़्यादा प्रॉब्लम बन जाएगी, इसलिए मैं क्रिएट ऑप्शन में क्लिक करता हूँ। क्रिएट ऑप्शन में क्लिक करने के बाद आपको तीन ऑप्शन मिलेंगे, लाइव जाने का, शॉर्ट वीडियो डालने का और अपलोडेड वीडियो डालने का। सिंपल गाइस, जब लाइव जाओगे तो जब तुम्हारे 1000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे तुम लाइव जा सकते हो। अगर तुम 59 सेकंड से नीचे की वीडियो डालोगे तो शॉर्ट वीडियो में आएंगी, ठीक है, रेड कलर का सिंबल आ जाएगा कि शॉर्ट वीडियो। अगर तुम्हें लॉन्ग वीडियो डालनी है तो अपलोडेड वीडियो पर क्लिक करना है। जैसे आप अपलोडेड वीडियो पर क्लिक करोगे तो आपको ये नेक्स्ट गैलरी में लेकर चला जाएगा। गैलरी में से कोई सी वीडियो चूज कर लेनी है जो भी आपको डालनी है। तो गाइस मैं ये वीडियो चूज कर लेता हूँ, कोई भी एक मिनट से ऊपर की वीडियो चूज कर लेता हूँ। जैसे गाइस ये सैंपल के रूप में मैंने चूज कर लिया। चूज करने के बाद आपको क्या करना है, उसमें नेक्स्ट कर देना। जैसे आप नेक्स्ट करोगे तो आपको नेक्स्ट पेज पे लेकर चला जाएगा। वहाँ पर आपको टाइटल डाल लेना, जो भी वीडियो के तुम रिलेटेड डालना चाहते हो वो टाइटल डाल लेना। टाइटल डालने के बाद अपना जो डिस्क्रिप्शन लगाना, डिस्क्रिप्शन टैग, टाइटल, थंबनेल वो डाल के रेडी कर लेनी है। रेडी करने के बाद आपको क्या करना है, अनरीच्ड करके ये डालनी है। अगर तुम्हारी रेडी है तो पब्लिक करके डाल सकते हो, अगर तुम्हारी रेडी नहीं है तो मैं बाद में रेडी करोगे। थंबनेल, डिस्क्रिप्शन टैग, टाइटल तुम बाद में लगाओगे तो अनरीच्ड करके डाल सकते हो, क्योंकि ये पब्लिक नहीं होगी। अगर तुम रेडी कर लेते हो वीडियो, अगर तुम डायरेक्ट डालते हो तो पब्लिक कर सकते हो, क्योंकि डायरेक्ट वो पहुंच जाएगी पब्लिक के पास। उसके बाद आपको नेक्स्ट कर देना। नेक्स्ट करने के बाद आपको क्या होगा, इसको अपलोडेड वीडियो पर क्लिक करना है। अपलोडेड वीडियो पर यहाँ आपको छेड़खानी कुछ नहीं करनी है। यहाँ ऑप्शन आ रहे होंगे दो, यस इट्स मेड फॉर किड, कि ये वीडियो बच्चों के लिए है तो आपको कुछ नहीं करना, ये वीडियो बच्चों के लिए नहीं है तो ये आपको कोई भी चूज ही नहीं करनी है। सिंपल बात है कोई चूज नहीं करनी। अपलोडेड वीडियो पर सिंपल क्लिक कर देना। जैसे आप क्लिक करोगे तो अपलोड हो जाएगी, ऊपर नोटिफिकेशन आ चुकी है, देख सकते हैं अपलोडेड वन वीडियो, 37 मिनट की वीडियो। तो गाइज तो मैं इसको आई होप तुम्हें समझ में आ चुका होगा। जैसे मैंने 1 से 2 मिनट का फॉलो प्रोसेस है, ऐसे ऐसे आपको सेम करना है जैसे मैंने वीडियो के अंदर बताया, और ऐसे ऐसे आप करते हो तो 1 से 2 मिनट के अंदर आपको जो चैनल है वो सक्सेसफुली क्रिएट हो जाएगा। सो आई होप गाइस आपको वीडियो अच्छी लगेगी। वीडियो अच्छी लगी तो गाइस लाइक कर देना। आपको नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन को दिख रहा होगा, उसे प्रेस करके घंटी नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर देना, ताकि आने वाले फ्यूचर टाइम को वीडियो अपलोड करते तो आपको नोटिफिकेशन पहले मिल जाए। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जब तक जय हिंद, वंदे मातरम।